देखो ये वीडियो पर्पसली इसीलिए बनाना था, ऐसा नहीं कि मैं दुकान से आया और मैं बोलूं कि भाई 10 दुकानों से घूम के आया, मैं 10 दुकान वालों को गाली बकूंगा, उसके बाद मैं फिर ये फोन बना दूं, तो ये कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे वीडियो में मैंने भी कहा, ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों ये मेरे पास एक फोन है, ये देखिए 0.07 लेकर छोड़ देता है। दोस्तों जब भी हम केन उतारते हैं या ये सील्ड उतारते हैं तो हमारे कुछ ट्रैक ओपन हो जाते हैं, तो वो ट्रैकों को कैसे ढूंढे कि कैसे किसके ट्रैक ओपन हो गए हैं, कटेंगे ये दो कंपोनेंट देख रहे हो, ठीक है। बीप का मतलब ग्राउंड होता है, ठीक है। डिवाइडर सर्किट लगा है जिसमें ये रजिस्टर का एक चेहरा देखो ग्राउंड होना चाहिए जो कि हमारा नहीं है, और यहाँ पे पावर की सप्लाई आ रही है, और ये सीरियल पेरिपलर इंटरफेस आउट मतलब एक प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल सप्लाई होती है दोस्तों यहाँ पर 1.8 वोल्टेज NF कंपोनेंट के थ्रू आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है एक तरह के। और यहाँ पे देखो ये एक जैसे SPI होता है ना, SPI प्रोटोकॉल, इसकी सप्लाई है जो SPI CS क्लॉक मीसो मौसी, तो ये मीसो की हम सुनते हैं और ये सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों ये मेरे पास एक फोन है, रैंडमली कोई भी फोन है आप मान के चलो। अब इस फोन में प्रॉब्लम ये है, ये डैड है, समझ रहे। और दोस्तों डैड फोन में डैड कहीं से भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले तो एक अच्छा टीचर के नाते हम यही कहेंगे कि आप आई डायग्नोस करो, मतलब आप सबसे पहले देखो PCB में कहाँ क्या फॉल्ट दिखाई दे रहा है। देखिए बैटरी लगी हुई है, वोल्टेज की भी बात करूंगा तो बैटरी में पूरे वोल्टेज है जितने होने चाहिए ऑन होने के लिए। देखिए तो 3.7 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे ऊपर है ना, तो फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा। अभी मैं DC मशीन की रीडिंग भी दिखाने वाला हूँ, और मैं दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या है। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बनाया इसी चीज के लिए है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके फोन में काम हुआ, जैसे देखो यहाँ पर काम हुआ है, देखो माइक निकला हुआ है यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसका ऊपर का पतरा निकाला है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है हीट दी हुई है, नोटिस करो यहाँ पर लग रहा है हीट दी हुई है। आई डायग्नोस देखो, ठीक है, और यहाँ पर देखिए रंगे का है, मतलब यहाँ रंगा फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये पतरा निकला हुआ है, तो कहने का मतलब ये है। और सबसे पहले आइए मैं इसकी एक बार DC मशीन की रीडिंग दिखा लेना चाहता हूँ और दिखाता हूँ कि ये फोन में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो मैं DC मशीन को लगाता हूँ, नोटिस कीजिएगा, और फिर पावर की दबाऊंगा। देखिए ये मैंने लगा दिया है केबल, ये देखिए मेरे पास नीचे मोबाइल है, और ये देखिए मैंने केबल लगा दिया है। अब आप मशीन में देखिएगा, अब मैं इसकी स्विचिंग करूंगा, देखिए जैसी पावर की दबाता हूं, ये देखिए 0.07 लेकर छोड़ देता है, नोटिस करो, देखो 0.07 लिया छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है फोन तो डैडी है। अब अगर मैं आपको एम्पियर दिखाऊं तो नोटिस करो,
लेके हाफ एम्पियर देखिए, देखिए मैंने बैटरी लगा दी है, अब मैं केबल इंसर्ट करूंगा, ये लगा दी केबल, देखिए 0.60, देखिए देख रहे हैं आपको बैटरी भी लगी हुई है और 0.60 देखिए, तो इसका मतलब ये है कि फोन ऑन नहीं हो रहा है और फोन जो रीडिंग दिखा रहा है, बहुत सारे लोग YouTube में और जगह यही कहेंगे कि ये रीडिंग EMMC की है या ये रीडिंग फ्लैशिंग की है या पोर्ट बना लेगी या ऐसा है वैसा है, रैम की रीडिंग है, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें लोग कह रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये वीडियो आपको डैड में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई जो मेरे सब्सक्राइबर है, मैं चाहता हूँ कि उनको देवतन अग्रवाल के चैनल में काफी अच्छी चीज मिले और वैल्यूबल चीज मिले, कोई घिसी पटी चीजें नहीं। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब भी हम केन उतारते हैं या ये सील्ड उतारते हैं तो हमारे कुछ ट्रैक ओपन हो जाते हैं, तो वो ट्रैकों को कैसे ढूंढें कि कैसे किसके ट्रैक ओपन हो गए हैं, कट गए हैं, क्योंकि जब ट्रैक कट जाता है तो पूरी तरीके से वो सिरा NC हो जाता है, तो कैसे ढूंढें, तो उसको ढूंढने का ट्रिक तरीका मैं बता रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए इसको पूरा देखिए। आप एक सेकंड भी मिस करेंगे तो समझो कि आप किसी पेड क्लास में बैठे हो और आप अपने फोन को चला रहे हो, पेड क्लास में बैठने के बाद आप नोटिस करो कि आप बहुत ही वेस्ट करोगे अगर आप अपना ये वीडियो नहीं देखोगे, तो हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आज आप अपने दिन में एक मोबाइल इसको लेकर ही बना लो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमें चेक क्या करना है, पहले तो PCB को बाहर निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। ये केस पार्ट टू है, मैंने कहा था ना आपको कि एक वीडियो में लेकर आऊंगा और सबसे पहले आपको अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखना है, ठीक है, और डायोड मोड पे रख के आपको कंपोनेंट के GR लेना है ना, मैं GR पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो जहां जहां पतरा निकला हुआ है वहां वहां पर आपको पूरा GR उठाना है कंपोनेंट का, ध्यान देना, तो नोटिस करो, ठीक है, ये देखो आ रहा है GR, ऐसा हमको ऐसा चाहिए, या तो हमको एक और GR चाहिए और एक और, या तो एक और बीप या तो दोनों और GR, हमको किसी भी और खाली नहीं चाहिए, मतलब NC। तो जहां जहां पत्र निकले सबसे पहले हम वहीं पे चेक करेंगे और ध्यान रखना जो रेड प्रोब है उसको ग्राउंड पे लगाना इस तरीके से और जो ब्लैक प्रोब है उसको यहां टच करना, ठीक है, नोटिस करो, देखो आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखो ये दो कॉम्पोनेंट देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीप का मतलब ग्राउंड होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए जहां जहां पत्रे निकले हैं वहां पे जरूर चेक करें, मैं तो बोल रहा हूं सभी पे चेक करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्पिटेंट है दोस्तों, तो ये कॉम्पिटेंट मैं आपको बता दूं ये थोड़ा दूर भी है पत्रे से, और दूसरी बात ये है कि ये कॉम्पिटेंट आपके ग्राफिक्स के VSN का है तो इसलिए यहां पर रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो स्कीमेटिक ओपन करके, मैं अभी ओपन कर भी करूंगा, अब नोटिस करो दोस्तों, ठीक है आ गया, ये टच हो रहा होगा ये, ठीक,
तो यहाँ अब नोटिस करना, ये पत्रा निकला है, ये दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, दोनों बीप आने का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट होता है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस साइड करेंगे, और सबसे ज्यादा ये जो फॉल्ट होता है ये सीपीयू मेमसी के साथ साथ होता है, या सीपीयू यूएफएस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो चाहो तब का पता है, ये देखिए निकला हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये नोटिस कीजिए, ये देखिए, ये तो कंपोनेंट का क्या होता है, एक ट्रैक मिस हो जाता है, तो हमको बस ये ट्रैक ही ढूंढना होता है, वो कौन सा कंपोनेंट है, नोटिस करो। अब जैसे मान लो ये एक डायोड लगा है, तो ये हो सकता है ये बाय डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल टीबीएस डायोड हो, तो ये एक बाय डायरेक्शनल डायोड ही लग रहा है, यूनि डायरेक्शनल, ठीक है, ये सही है। ये कैपेसिटर भी देखो, किसी भी कैपेसिटर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिरे पे आपको जीआर ही ना मिले, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, वो बीप हो या जीआर हो, ठीक है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, यहां तो सब पत्र सही है। ये देखिए, ये वाली लाइन देखिए, देखो आ रही है, सही है, सही है, सही है, देखिए ये चीज नोटिस कीजिए दोस्तों। यहाँ पर एक जैसे मैंने बताया कि ढूंढने का यही तरीका होता है कि आपको एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढना है जिसमें या तो ग्राउंड हो या तो जीआर हो, पर ऐसा ना हो। देखिए इस रजिस्टर को देखिए, यहां तो जीआर आ रहा है, पर यहां पर नोटिस करो, यहां पर कोई चीज नहीं आ रही, और ये जो है ये आप देखो यहां से ना कि इसके सारे सेंसर पैड हो सकता है, या तो फिर मैं इसका जो ग्राउंड है इसके साथ कनेक्ट होगा, जिसके ये निकल जाने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर ये फोन डेड हो गया हो। और भी हम ऐसे ये देखिए, ये सही कॉम्पोनेंट ढूंढ सकते हैं, ये देखिए कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, ये देखिए बीप जी आर, देखिए ये कॉम्पोनेंट देखिए बीप जी आर। अगर मान लो इस पे जीआर नहीं आता तो हम ये समझते कि इसका ट्रैक ओपन हो गया या इसका ग्राउंड नहीं मिलता कंपोनेंट। दोस्तों हमारे मोबाइल फोन में कैपेसिटर के ग्राउंड मिलना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटर ग्राउंड नहीं मिलेगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा, है ना, ये मान ये समझ लो सीधी सी बात साहब। ये देखो यहां पर भी हो सकता है कि ट्रैक वैक कटा हो, ठीक है, चलिए तो हम पहले इस रजिस्टर को देखेंगे, तो समझिए इस रजिस्टर को, देखिए मैंने डायग्राम खोल कर रखा हुआ है, अगर डायग्राम है तो ठीक है, दोस्तों नहीं है तो पहले तो रजिस्टर के एक सिरे को ग्राउंड कर दीजिए, क्योंकि या तो पैरेलल होगा या तो सीरीज होगा, नहीं तो फिर उसकी दूसरी लाइन को ढूंढना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम खुल गया है, अब डायग्राम खुलने के बाद हमें चेक करना है कि हमारी ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी, ये देखो ये रजिस्टर लगा कैसे है, ये रजिस्टर तो देखो, ये रजिस्टर यहाँ पर ये डिवाइडर सर्किट लगा है जिसमें ये रजिस्टर का एक सिरा देखो ग्राउंड होना चाहिए, जो कि हमारा नहीं है, और यहाँ पे पावर की सप्लाई आ रही है, और ये सीरियल पेरिपलर इंटरफेस आउट मतलब एक प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल सप्लाई होती है दोस्तों, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज NF कंपोनेंट के थ्रू आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है एक तरह के,
और यहाँ पे देखो ये एक जैसे SPI होता है ना, SPI प्रोटोकॉल, इसकी सप्लाई है जो SPI CS क्लॉक मीसो मोसी, तो ये मीसो की है और ये है सप्लाई पॉजिटिव और सीरियल पैलीपलर इनपुट आउटपुट और ये पावर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारा लाइन नहीं बनेगा तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा। ये पावर बूट सिक्वेंस की लाइन होती है और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो हम दुकानदार से तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते क्योंकि उनको स्कीमेटिक का कोई नॉलेज नहीं होता, और नो होता भी है तो वही होता है जो वो कहीं से सीख कर आते हैं। अगर सही तरीके से काम करना है तो आपको ये सारा चीज नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब अगर ये रजिस्टर निकल भी जाता तो हमें रजिस्टर लगाना पड़ता, तब जाके फोन ऑन होता। देखिए मतलब कितना इम्पोर्टेंट है कि एक रजिस्टर के निकल जाने पर हमें यहाँ पर ही देखिए हमारा फोन बंद हो जाता है, और जब तक हम ये रजिस्टर नहीं लगाते हमारा फोन कभी ऑन ही नहीं होता। आप सोच लो कि कितना इम्पोर्टेंट है कि ये रजिस्टर ग्राउंड के साथ जुड़ा होना। और ऐसे ही बहुत सारे मोबाइल है, MI, ओप्पो, वीवो, उसमें देखो मॉडल के हिसाब से काम मत करो, काम हमेशा CPU के हिसाब से किया जाता है। आपके MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन सब में भी CPU, MediaTek, Qualcomm ये लगे होते हैं, और MediaTek में सबसे ज़्यादा अगर मैं देखा जाए तो ये डिवाइडर सर्किटों का यूज सबसे ज़्यादा यूज होता है। और ये डिवाइडर सर्किट में अगर एक रजिस्टर भी हो, ओपन हो जाए R1 R2 में से कोई भी, तो आप ये समझो कि आपका वो सर्किट ही पूरा क्लोज हो जाएगा। और अगर सर्किट क्लोज हो गया तो डेट मीन आपके वोल्टेज बनना बंद हो जाएंगे, और जो भी सेंस है या जिसको भी लाइन को वोल्टेज चाहिए वो लाइन को वोल्टेज मिलना बंद हो जाएंगे और आपका वो सेक्शन बंद हो जाएगा। इनकेस अगर वो सेक्शन पावर में है तो पावर सेक्शन बंद हो जाएगा। तो मेरे को देखो ये वीडियो पर्पसली इसीलिए बनाना था, ऐसा नहीं कि मैं दुकान से आया और मैं बोलूं कि भाई 10 दुकानों से घूम गया, 10 दुकान वालों को गाली बकूं उसके बाद मैं फिर ये फोन बना दूं, तो ये कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे वीडियो में मैंने भी कहा होगा ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप में ओनर है मैं मानता हूं, बट ओनर को बांटना भी आना चाहिए और सही तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। इसलिए दुकानदार क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं, क्यों वो यही फोनों को रिटर्न कर दे रहे हैं, क्योंकि वो नॉलेज ही लेना चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो में आपको ये बातें बहुत बेकार लगेंगे, आपको लगेगा कहाँ भाषण दे रहे हैं, बड़े भाषण नहीं है, रियलिटी है कि दुकानों में बैठे हुए टेक्नीशियन नॉलेज ही नहीं लेना चाहते हैं। आप बिना पढ़े लिखे आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप भले स्कूल गए ना गए हो बट आपको मोबाइल रिपेयरिंग की पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसकी पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। लिख के रख लो, और यही साल यही होता है, आप जितने भी इंस्टीट्यूट के रिव्यू देखो तो 90% इंस्टीट्यूट के रिव्यू में क्या होता है, सर मैं 10 साल काम कर रहा हूँ, मैं 8 साल काम कर रहा हूँ, मैं 15 साल काम कर रहा हूँ, सर मजा आ गया है और अब जो करूंगा उसके बाद जाके वो काम करता है, क्योंकि वो अपने 8-10 साल में है ना अपने आपको बेवकूफ बना रहा होता है। उसको लगता है कि मेरे से 2-4 मोबाइल चालू हो रहे हैं और यही मोबाइल रिपेयरिंग है, और जब बाद में उसको लगता है कि मैं बहुत सारे मोबाइलों में फंस रहा हूँ या अच्छे मोबाइलों को डेड कर रहा हूँ, तब उसको अपने आप को आईना दिखता है और तब जाकर वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है। हालांकि उसको खींचते बहुत तैयारे कहाँ जा रहे हो फंस जाओगे, तो भाई इंस्टीट्यूट को देख कर आओ ना यार। आप टीचर को तो देख लो, भाप लो कि टीचर में कितना नॉलेज है, क्या वो जियो पे पढ़ा रहा है, क्या वो जियो पे पढ़ा रहा है, क्या वो टीचर आपके पुराने नोकिया या सैमसंग के पुराने फोन खोल के बैठा हुआ है, क्या वो वही बात कर रहा है कि माइक पढ़ा रहा है, डिजिटल माइक, सिर्फ डिजिटल माइक की बात कर रहा है फोनों के है? सिर्फ ले दे के नॉर्मल बात है या उसके बाद में भी कोई तर्क है कि नहीं है, लॉजिक है कि नहीं है, क्या वो पढ़ाने से ज्यादा तर्क देता है या पढ़ा रहा है या कोई फालतू की बातें कर रहा है? आप देखो किसी वीडियो के व्यू पे मत जाओ, किसी वीडियो के लाइक पे मत जाओ, वीडियो के कंटेंट पे जाओ। हो सकता है देखो अच्छी चीज वो कम व्यू मिले हो और टट्टी को ज्यादा व्यू मिले हो, ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आजकल तो यही होता है, आप कपड़े पहन के जाओ पूरे तो आपको कोई नहीं देखेगा, आप कपड़े उतार के जाओ आपको सब देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी लोग हमारी जो मतलब जनरेशन है या जो इस बार की पीढ़ी है या जो भी है, वो बेसिकली हमारे दिमाग में साइकोलॉजी है कि हम हमेशा है ना ऐसी चीज देखना चाहते हैं जो कंटेंटलेस है, मतलब जिसमें दिमाग नहीं लगता, क्योंकि जिसमें दिमाग लगने लगेगा वो दिमाग से बाहर हो जाएगी। तो आप प्लीज इस बात को ध्यान रखें और थोड़ा सा जाए तो सोच समझ कर किसी इंस्टीट्यूट को जाए, क्योंकि दोस्तों ले देके फिर आप ही या फिर सबको दिमाग में डालते हो। और क्या स्टूडेंट की एक साइकोलॉजी है, स्टूडेंट बड़े से बड़े टीचर के सामने बैठ जाए पर वो उसकी कभी नहीं सुनता, मतलब मैंने बोला 10 में से 10 स्टूडेंट नहीं सुनते, 10 में से 8 स्टूडेंट सुनते, पर 2 स्टूडेंट कहीं ना कहीं इतने साइकोलॉजी बीमार होते हैं
या बेचारे दिमाग से कमजोर होते हैं कि वो ना चाहकर भी अपने टीचर की ना सुनकर वो अपने बाजू के बैठे हुए स्टूडेंट की सुनते हैं। वो स्टूडेंट उनसे बोलेगा भाई तू नहीं सीख पाएगा, वो मान लेगा। वो स्टूडेंट बोलेगा कि भाई तू नहीं सीख पाएगा और तू मान लेगा, और टीचर तुम्हारे को बोलेगा भाई तू सीख जाएगा, वो नहीं मानेगा। तो ये भी ये जो कमजोरी है ना, आपको अपने शरीर से निकालनी पड़ेगी और आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हम इसको ग्राउंड करेंगे। क्योंकि ये सप्लाई का ग्राउंड होना भी जरूरी है। और कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर ग्राउंड निकल जाए तो आपको कैसे बनाना है। और पत्थर निकलने का जब भी फोन होता ऑन होता है दोस्तों, हमें स्कीमेटिक की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना स्कीमेटिक के देखते हैं, क्योंकि तब हम अनुमानित काम करते हैं। जैसे पहले ग्राउंड कर लिया, नहीं हुआ तो फिर उसकी लाइन ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइन ढूंढना नहीं आता तो सीखो उसको, कोई यूट्यूब में नहीं सिखाएगा बैठकर। जैसे मैंने भी ये वीडियो डाल लिया, पर इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, पर मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं हो सकता है क्लास में बताऊँ, क्लास में इससे भी ऊपर इसी वीडियो से रिलेटेड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहूँ तो आपको मजा आ जाएगा और आप ऐसे मोबाइल बना लोगे। पर दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर पूरा कोर्स का एक वीडियो डाल दो, सीरीज डाल दो, फलाना डाल दो, ढिगाना डाल दो। अरे क्यों क्यों डाल दो भैया, कोई इज्जत नहीं करेगा। आप फ्री में मोबाइल बनाना चालू कर दो ना भैया, इतना है तो आप क्यों पैसे ले रहे हो। हैं जंपर छोटा कर देते हैं, एक काम करते हो बड़ा जंपर ले लिया है। आप फ्री में पैसा आप फ्री में बनाना चालू करो ना, आप क्यों पैसे ले रहे हो। आप अपना घर मत चलाओ, मैं जब दूसरा नहीं चला रहा है तो आप भी मत चलाओ। ये बात तो बिल्कुल बेकार की बात है, सेंसलेस बात है। सर ऐसा कर दो वैसा कर दो, देश के लिए कुछ करो। अरे तुम करो ना देश के लिए, तुम दुकान में फ्री का बोर्ड लगा दो, बोलो कि मैं सिर्फ फ्री में आईसीआर डालूंगा, मैं फ्री में करूंगा, समाज सेवा करने के लिए आया हूं मैं। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। तुम जब कपड़े खरीदने जाएगा या कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने जाएगा ना, तो वो तेरे से एक रुपये भी कम नहीं करेगा और ना ही तू करवाएगा। और तू ट्रेन की टिकट खरीदने जाएगा तो भी पैसे कम नहीं होंगे तेरे। तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और फ्री का कोई वैल्यू नहीं होती है इस दुनिया में, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप फ्री में किसी आदमी को है ना, अगर ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्या जैसी खूबसूरत औरत भी दे दोगे ना, तो वो भी दो दिन उसकी कदर करेगा, तीसरे दिन बोलेगा अरे बदसूरत है मुझे तीसरी चाहिए। और वही अगर उससे शादी करके आएगा ना, तो वो भैया जिंदगी भर उसको सर पर चुलाएगा। ये इंसान की फितरत है, फ्री में मिली हुई किसी भी चीज की वैल्यू नहीं होती है, कदर नहीं होती है। या तो कहूं कि इंसान के पास जब एक कोई चीज आ जाती है, जब आज आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा, आज आपको चाहिए मतलब कोई मोबाइल चाहिए और वो आपको बहुत है, नहीं यार होना ही होना है। अब जब वो खरीद लिया तो चार दिन बाद बोर हो जाओगे ऐसे मोबाइल, पहले तो उसको ऐसे थूक लगा के साफ करोगे, फिर उसके बाद में साफ करना बंद कर दोगे, तीसरा उसको फेंकना चालू कर दोगे, टूटता है टूटने दो। तो जो वैल्यूबल चीज होती है वो सही जगह जाके ही मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आओ, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज नॉट फॉर पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ एसर टेलीकॉम, दिस इज नॉट, आई एम नॉट इवन सेइंग टू कम टू मी एंड टेक क्लास फ्रॉम मी, नो मत लो। क्योंकि मेरे पास तो बहुत वैल्यूबल बच्चे आते हैं, मैं पहली बार तो ऐसे बच्चों को लेते ही नहीं हूं छाट के। तो कहने का मतलब यही है, चलो कोई नहीं, तो दोस्तों अब हम इसको चेक कर लेंगे। पहले हम इसको चेक करते हैं कि हमारा ये ग्राउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नोटिस करो, ठीक है, देखो ये ग्राउंड हो रहा है,
मतलब कहने का मतलब यह है कि जब ट्रकें निकल जाती हैं तो हमको एक सिर को ग्राउंड देना ही पड़ता है। और दोस्तों मैं सच बताऊं, आपको लगता होगा किसी दुकानदार के पास जाके कि भैया लाइफ सेट भी बनाएंगे, ऐसा होगा भैया कोई नहीं देता है, सब कहने की बात है। और उसका दिमाग केवल अपने दिमाग दुकान के सेट बनाने में लग जाएगा दो दिन के बाद, दो दिन तीन दिन तक तुमको बहुत बढ़िया बताएगा, तुमको मजा भी आएगा, तुमको लगेगा जिंदगी बन गई। फिर उसके बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो तुमसे अपनी दुकान के फोन खुलवाएगा, बंद करवाएगा और तुमको अपने दुकान में झाड़ू लगवाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम उसी दुकान में उसी का लेबर बनकर काम करोगे, सीखोगे कुछ नहीं। और उसको लग जाएगा तुम बहुत समझदार हो, सीख रहे हो, तो उसको लगेगा कहीं मेरे जैसी दुकान ना खोल ले, तो क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने की नहीं है ना, वो तो दुकान चला रहा है, उसकी तो चल रही है, वो तो बोल रहा है आ जाओ मेरे से, जितना मैं सिखा सकता उतना सिखा दूंगा, वो तो यही बोलेगा। और हर कोई अपने आप को बेस्ट बताता है, हर कोई आजकल इंडिया नंबर वन लिखना तो बहुत ईजी है, हर कोई तीसरा इंडिया नंबर वन लिख लेता है, भले ही आपने भले ही वो चार महीने पहले ही दुकान खोली हो इंडिया नंबर वन, भले ही दो साल पहले वो हमने से सीख के आया हो इंडिया नंबर। तो हम ये कह रहे हैं भले ही वो कहीं से भी दो साल पहले सीख के आओ, पर इंडिया नंबर वन, आजकल इंडिया नंबर वन की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। एक कहते ना, मैंने एक साबुन खरीद के लाया, उस पर लिखा था हमाम, सुना ना हमाम का साबुन, लक्स, तो उसमें लक्स की जगह है ना, उसकी स्पेलिंग थी LUX होता है ना, उस पर था LAX, मतलब ये कैसा लक्स है, तो उसमें इंडिया नंबर वन। अरे तो कोई नहीं, तो अब देखिए हमने इस फोन को सिर्फ एक जम्पर मारा है और कुछ नहीं किया है, और अब इसको चेक करेंगे इस फोन को कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑन हो गया। तो ऑन होने का रीजन जो है वो क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों MediaTek में ज्यादातर क्या होता है कि जो उसकी शील्ड होती हैं वो निकलती हैं, तो ये हमारे ये देखो ये जो हमारे ये देखिए सील होती है जो निकल जाती है, और उसकी वजह से कंपोनेंट के सिरे कट जाते हैं, मतलब ट्रैकें निकल जाती हैं, और जिसकी वजह से ये मैटर बन जाता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप इस ग्राउंड को ढूंढना सीख लो। इस वीडियो के थ्रू आई होप कि आपको बहुत जानकारी मिली हो, और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप सिर्फ देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि जरूरत नहीं है, अगला कोई वीडियो फिर आएगा तो देख लूंगा, तो आप बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि अगला वीडियो मैं हर एक दिन में दो दो वीडियो देता हूँ, और मेरा ऐसा नहीं है कि एक वीडियो दूंगा फिर 10 महीने बाद एक वीडियो दूंगा, फिर एक महीने बाद एक वीडियो दूंगा, फिर कभी 4 दिन बाद 5 दिन बाद काम हुआ तो हुआ वीडियो बना, नहीं दोस्तों मैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो मेरा मकसद यूट्यूब में आना सिर्फ आप लोगों के लिए है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मिलेगी, फायदा होगा, फ्री का है, इसमें पैसे नहीं देना, टेंशन मत लो।